तब से कपिल मेरे साथ शो करता था। अच्छा। और कपिल ने बताया भी इस शो में कि ख्याली ने मेरी सीडी भेजी और लफ्टर चले 3-4 में वहाँ मौका मिला था कि जुल्म और सितम से तब तब के निखरने वाले बेड़ियाँ तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं और जिन्हें पाला हो चिड़ावा के उजालों ने वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। तो उसने 8,000 रुपए का सेकंड हैंड मोटरसाइकिल उसको दिलाया, उससे वो साइकिल लेके आया और फिर वो मुझे गिफ्ट करी। मद की चाची ताड़का को रोल करती बाप की ड्रेस ढूंढते फिरे नहीं तोड़ लिया बाप ने बारहवीं तो पास कर रहे जय हिंद जय जलको जय जलको झुंझुनू। बेटो काम तो करे को नहीं दो पीस संगो एर लोन लियो 7 लाख को केकरे रही तेरे ब्याह। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। राम राम जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। कैमरा मैन उमेश के साथ आधवा पहुंचा झुंझुनू के चिड़ावा शहर में और तनबीरो की चिड़ावा के अंदर जो वो बावड़िया बाबा के मंदिर के अंदर जो वो मेड़ो लाग रहे बहुत ही शानदार नगर पालिका के द्वारा लगे गए हैं। और आज जो रात को प्रोग्राम भी के अंदर ख्याली जी कॉमेडियन आया है, जगह बात करें कि गाँव से लेकर मुंबई तक को सफर बना तय करे हो आपकी कॉमेडी से जगह लोगों ने गुदगुदाओ ही बहुत ज़्यादा हंसाओ ही बढ़ी बस आप बातचीत कराँगा क्या बनकर सफर की जगह भी शुरुआत हुई और के हिसाब से वे कॉमेडी के अंदर जो कहें आज वे कपिल शर्मा का शो के अंदर भी गए हैं बॉलीवुड के जो वो काफी मूवी के अंदर भी बड़ा काम कर रहे हैं। सारी बातें तब से कराँगा तो वीडियो जो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक बने रहना है। वीडियो का स्पॉन्सर ही स्टेज है। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो थारो बहुत बहुत स्वागत है झुंझुनू के अंदर चिड़ाव के अंदर आए हो और जिस हिसाब से बात करें कि पूरे भारत के अंदर तारीख ख्याति है और मन लगे कि जिस हिसाब से लोगों ने हसाणो जो है भी इससे बेहतर काम कोई हो सके। बिल्कुल सही बात है जी, काम सारे लोग करते हैं लेकिन एक ये काम जिससे लोगों को खुशी मिले और हमारा घर चले तो सही कह रहे हो आप, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। अतीश जी ने बताओ कि कई बार आप देखा कि कॉमेडियन जगह पे खूब सारा आप बताना कि जहाँ जमीन से जहाँ उठ की तारे बढ़ते प्रोग्राम के अंदर भी बता रहे हैं भी के अंदर एक कॉमेडी के अंदर एक चीज़ होगा कि हमेशा बेइज्जती करनी तो पड़ेगी आपने या तो खुद की कर लो या कोई की कर लो तो बेइज्जती आप खुद की अगर सहन कर सकें तो आप अच्छा कॉमेडियन बन सकें। मानो उधर कॉमेडी में एक तो बचपना होता है जी जी, एक कॉमेडी में गरीबी झलकती है। आपने कोई आज तक ऐसा कॉमेडियन नहीं देखा होगा जो बहुत बड़ा करोड़पति अरब खरबपति और कॉमेडियन बना हो। बिल्कुल सही बात। तो ये दोनों में ही बेइज्जती होती है, आदमी गरीब आदमी की बेइज्जती हर जगह होती है, नहीं होती है आप बताओ। तो इसलिए जहाँ आपको लगता है कि किसी की बेइज्जती हो रही है तो हम हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है, किसी की बेइज्जती नहीं है, इज्जत सम्मान सब कुछ होता है और साथ साथ बचपना होना जरूरी है। बचपने में तो बच्चा कोई भी शरारत करता है तो बेइज्जती लगती है। कपिल शर्मा शो के अंदर भी दे गया बड़े को चाहे क्या अनुभव था जो बस वही पुराना अनुभव जब मैं 2004-05 में चंडीगढ़ इवेंट मैनेजर था शो करता था तब से कपिल मेरे साथ शो करता था। और कपिल ने बताया भी शो में कि ख्याली ने मेरी सीडी भेजी और लफ्टर चले 3-4 में वहाँ मौका मिला। कपिल के साथ कोई लगभग 10-15 एपिसोड कर चुके हैं हम और हर बार अच्छा लगता है कि हमारा छोटा भाई इतना सक्सेस और इतना अच्छा बुलंदियों पे बड़ा शो हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा शो। देखो मैं भी तारा कई वीडियो देखो देखूँ रूपनाथ जी को तारो जो गेटअप एक जो थे दुकान के अंदर बाणिया थे बन रहे हो बहुत जो तारो जो गेटअप बहुत शानदार मन लगे थोड़ी सी आवाज में बाणिया जिस हिसाब से बोलो एक डायलॉग भी के अंदर थे बोला करो कि कुछ उधारी उधारी को कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुना दे मन है वो है चौधरी के बीज राई राई को हिसाब पाई पाई को पैसा को ब्याज ब्याज को पिसो तो व्यवहार की बात है या तो हिसाब की बात है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी मैंने बताओ कि जैसे हिसाब से बताया कि गरीब होना जरूरी है क्योंकि आप बात करना कि अगर आप जमीन से जुड़ा हुआ रहेंगा यदि मैंने लगा कि आप एक बड़ा कलाकार बन सका। नहीं गरीब होना जरूरी को नहीं, गरीब होवे जमीन से जुड़े होना जरूरी है मेरे साथ। जमीन से जुड़े हो वही वो जो गरीब हुए गो मोटोड़ो जमीनों क्यों जुड़ेगो वो जहाज में कार में बैठे गो तो वो जमीन से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा हुआ भी वही होगा ना जो गरीब होगा जो मन चाहे। कई बार हमने बोलते हैं कि ये बड़ा अरब खरबपति आदमी है लेकिन ये टपरी पे आके चाय पीता है सबको मिलता है बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, इसका मतलब ये कि वो दिल से आज भी गरीब है। अच्छा। वो अमीर पैसे आगे वो अलग बात है लेकिन दिल से आज भी गरीब है। अब शायद आप अक्सर हम जब शो पे हमारा टाइम होता है तो हम ड्राइवर के साथ बैठे होते हैं या यहाँ मेले ठेले वालों के पास बैठे होते हैं कहाँ उनसे मिलने करने का और मौका मिलता है, चाहे भगवान ने सब कुछ दे दिया पर दिल से आज भी गरीब है। जैसे कि अपना जगह दर्शक ही झुंझुनू की जगह लोग मेरे हिसाब से थे झुंझुनू पहली बार आए होगे। नहीं झुंझुनू में काफ़ी बार आया हूँ, झुंझुनू में शहर में भी शो करके गया था, आपके यहाँ राजगढ़ है नज़दीक सुजानगढ़ है क्या वहाँ पे भी मैं काफ़ी इवेंट करके गया एक दो बार। झुंझुनू की अपना बात करता हूँ झुंझुनू जो वो सैनिका की नगरी है शहीदा की भूमि है तो भी के लिए कोई दोस्त बताए खड़ो चाहो
सर मैंने बोला भी था कि जुल्म व सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं और जिन्हें पाला हो चिड़ावा के उजालों ने वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। तो इन्होंने हमेशा हर बार नई हर तरह से हुकूमत बदली है, चाहे एजुकेशन में, चाहे बिजनेस में, चाहे शहीदी में। तो सलाम है उन सबको। अरे एक चीज़ मैंने बता दूँ कि सबसे पूरा भारत जो जानना चाहवा है कि ख्याली जी की कॉमेडी की शुरुआत कड़े से हुई, पहले दिन थाने कद लागे हो कि आप कॉमेडी के अंदर आप जा सका। शोले फिल्म में एक डायलॉग है ना कि यूँ समझो जब से होश संभाला यही काम कर रहे हैं। तो शुरुआत मुझे खुद को नहीं पता कब हुई, क्योंकि देखो सपनों सबको रह गई जाए, मेरे भी कुछ सपनों आ गया था कि मैं सिंगर बनूं, मैं एक्टर बनूं, लेकिन शुरुआत भी चीज की होनी बहुत जरूरी है कि जब से थाने लगे कि आपा ने अब कॉमेडी जो वो एज ए करियर आपा लेके चलना। स्कूल में करता था बचपन में, लोग तालियां बजाते थे, अप्रिशिएट करते थे, और चलते चलते वो थिएटर की शुरुआत हो गई श्री गंगानगर में, फिर चंडीगढ़ में शो की शुरुआत हो गई, बॉम्बे में टीवी फिल्मों की शुरुआत हो गई, तो हर जगह नई शुरुआत हुई। स्टेज पे प्ले किया आपने राजस्थानी अपनी मायड़ भाषा का, मैंने खूब सारा कॉमेडी वीडियो और वेब सीरीज और कविता और खूब सारी अनूठी फिल्म, तो देखने के लिए आज डाउनलोड कर लो स्टेज ऐप ने। अच्छा कई बार उनको यहाँ को तारों को यहाँ को फैन भी मिलोगे थानको जो था खिसको की बोल को फैन, तो मेरे को यही को नया बहुत सारे मतलब कई खास फैन की कहानी याद हुआ है। एक मैं 8वीं में साइकिल खरीदी, अच्छा फिर मैं 10वीं में गंगानगर चला गया, तो साइकिल में किसी एक को बेच गया था, उन्होंने आगे बेच दी, उसने फिर कोई मेरे एक फैन को बताया कि ये वो साइकिल है जो ख्याली जी 6ठी क्लास में चलाते थे, 7वीं 8वीं में चलाते थे जी। तो उस बंदे के ये लगन हुई कि मैं ये ख्याली को साइकिल गिफ्ट दूंगा, तो वो उसके पास गया, बोला यार ये साइकिल वो है, कहते हाँ ये ख्याली की चलाई हुई साइकिल है, कहते यार ये मुझे दे मैं गिफ्ट, कभी मैं मोटरसाइकिल लेने का प्लान बना रहा हूँ तो तू ले जा, पर मैं तो मोटरसाइकिल लेना है, तो बोलो पैसे बोल के, पैसे नहीं मोटरसाइकिल। तो उसने 8000 रुपए का सेकंड हैंड मोटरसाइकिल उसको दिलाया, उससे वो साइकिल लेके आया और फिर वो मुझे गिफ्ट करी। तो वो अभी भी मैंने रंग रोगन तैयार करवा के घर पे रखी हुई है, कभी कभी चला लिया, चल है तैयार है बिल्कुल चल है। अरे मैंने बताओ कि जिस हिसाब से कॉमेडी करो हो और अभी तक बॉलीवुड के अंदर भी चल रहा हो, क्या लगा कि मुंबई और झुंझुनू के अंदर जो अंतर है वो क्या है? मुंबई झुंझुनू में तो बहुत सारा कल्चर का भी अंतर है, भाषा का भी अंतर है, और काम करने का स्टाइल तो लगभग सब जगह एक जैसा ही होता है। झुंझुनू के लोग भी जुनूनी है काम के प्रति और काम के प्रति समर्पित है, ऐसे ही मुंबई में भी वहाँ के लोग काम के प्रति समर्पित है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा समय बहुत कीमती है, थोड़ा सा एक मिनट और लूँगा, एक कोई डायलॉग कोई चुटकुला थे हमारे दर्शकों को सुनाना चाहो। मैं चौधरी डायलॉग का पीस आ लूँ जी, नगद नगद कहे तो दो सुना दूँ मैं। बाकी आप सबको हैप्पी ठंड और हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। और एक्चुअली क्या है, ठंड में अपना ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि जीवन में आंसू पहुंचने वाले हजारों मिलेंगे पर ठंड में नाक पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय जलको, जय जलको झुंझुनू जी। आ जाओ की चाची ताड़का को रोल करती बा अपनी ड्रेस ढूंढते फिरे। हमारी ड्रेस कम की मान के चिड़ावाला एंकर पैर के उड़ गया है भाई। आओ है देखो इन्हें बराबर खड़े ये कौन था जाने डेढ़ बज गयो। अरे वो ऑर्गेनाइजर खड़ा है स्वामी थे, काचा नहीं तोड़ लिया है बापड़ा ने, बारहवीं तो पास कर रहे की कलाकार की क्या चलता जी बेटा, मन लगे थे सतमाशिया दोनों हम भी जगह इतना जल्दी स्टेज पर उतर आया भाई, रुकिया बैठना भी ज्यादा देर को नहीं। खोले जा मैं जावे छोरा नीचे रखे गाड़ी, आजकल टक्कर मोटरसाइकिल गाड़ी भी ना कॉलेज की कौन जा। खोले जा मैं जावे छोरा नीचे रखे गाड़ी, बापू जी ने आयो गुस्सो लिया ढूंढ के लाडी, आए साल एक टापर लोकल होगी गाड़ी, अरे छोरो हो खरबूजे वर्गो हो गयो फाटी फाटी। चलो चलो रे साहब
चौधरी बात सुन मेरी लास्ट मैं मन लगे बिना काम को लोड ले रखी है तो अब हाँ अब अठे ही बैठे रही जीता मेरे शो चले क्योंकि वो पांचवो गेड़ है चौधरी तेरी नई टी शर्ट सारा देख ली है अब जगह की है नहीं मिली दो गे प्रेस करके दिन में पुगा दी चौधरी पक्की बात आई ठीक है पर थोड़ी थोड़ी देर खड़े हो गो करी और साउंड वाला डब्बो भी सांस ले लो करे और रंग लाग रही मैं कहूँ गुरु गोरखनाथ की गप्पा सुमित्रा सैनी जी आपके नेतृत्व में इतना बड़ा प्रोग्राम सबसे बड़ी बात की चिड़ावा का बच्चा बच्चा इसमें इन्वॉल्व है सब पार्षदगण इसमें इन्वॉल्व है जितने नगर पालिका के कर्मचारी हैं सबके लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी टीम बड़ी तगड़ी है आपकी टीम का ये प्यार एकता और ये परंपरा कि इस तरह का प्रोग्राम सही बताऊं बहन जी मैं शिमला में चंडीगढ़ में होता है बॉम्बे दिल्ली में होता है लेकिन चिड़ावा जैसे प्यारे से छोटे से शहर में 10 दिन तक इस तरह के कोई प्रोग्राम की कल्पना नहीं कर सकता और हर प्रोग्राम को हर कला को आप इतना प्यार दे रहे हैं इतना साथ दे रहे हैं मतलब ये एक अद्भुत एक नया इतिहास आप रचने जा रहे हैं और ये हमेशा हर साल कराना भाई मैंने चाहे फ्री में बुला लिए मैं जरूर आऊंगा लेकिन आप ये प्रोग्राम बंद मत करना मारवाड़ियों के बारे में कहते हैं कि हम बड़े सुलझे हुए इंसान हैं इतना सुलझा हुआ इंसान मैं 22 देश घुमाऊं सर अपने राजस्थानी जितना सुलझा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा इतने सुलझे हुए कि अपने घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को भी मिस कॉल मार के छोड़ देंगे हाँ अगले का मूड होगा कर लेगा हम क्यों टेंशन ले मेरे तो हाथ से डिटोल की शीशी गिर के टूट गई मेरे बाप ने उंगली काट ली बोला ये बेकार क्यों जाए मैंने कहा डैडी बॉस 2000 रुपए बोले बात मगर दूर के नजर की चश्मा लेके आनी है बापू मेरा कान पकड़ के छत पे ले गया कहते वो क्या है मगर चांद बोला इससे दूर क्या देखेगा वीडियो पूरा देखने में थाने के लगा है कि जिस हिसाब से ख्याली जी बताया हो कि जमीन से जुड़े होने जो को कितना जरूरी है कोई भी चाहे कोई कॉमेडियन हो चाहे वो कोई भी एक्टर हो और गांव से अगर जो को बंदो निकल की जा है वो जगह शहरा के अंदर जगह जगह बंदा नहीं बस कुछ अच्छे वो काम करा गो सारी के ऊपर के राय है कि संसाधन होना कितना के जरूरी है और खुद के अंदर काबिलियत थोड़ी कौन सी ज्यादा कौन सी चीज जरूरी था जी की राय हमारे कमेंट उससे जरूरत होगा वीडियो जो को वो लाइक शेयर जरूर कर देना है और जल को जिन के साथ तरह प्यार यहीं बनाए रखो।